राज्य ग्रामीण विकास संस्था पंचरात का 63वें स्थापना दिवस समृद्ध भव्य रूप से आयोजित किया गया। राज्यपाल तमिलसी ने वर्चुअल पद्धति के उत्सव का शुभ आरंभ किया। उन्हें कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था तथा पंचरात राज का राज्य के विकास का पथ और भी आगे बढ़े। राज्यपाल तमिलीसई ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तथा पंचायत राज द्वारा राज्य के चहुंमुखी विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी से राज्य के विकास को हासिल करने के मार्ग पर चलने सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने आयोजकों को 63वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। The rural development is the process of improving the quality of life and the economic well-being of people living in rural areas. According to 2011 census, 68.84% of population lives in villages. The backwardness of the rural sector would be a major impediment to the overall progress of the economy. The problem in rural development are mainly categorized as people-related problems, agriculture-related problems, infrastructure-related problems, economic problems, leadership-related problems, administrative problems. These problems are independent and influence the complete rural system. तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एमएलसी वेंकटरमना रेड्डी के नाम पर न्यायालय का अमाना का नोटिस जारी किया है। सिद्दीपेट जिला के कलेक्टर पर रहते हुए धान के बीजों को लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा आदेश लेने पर भी उसकी परवाह नहीं करूंगा कहते हुए इसी बात का न्यायालय के नोटिस दिया है। वेंकटराम रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में एकल न्यायमूर्ति की सिफारिशों पर दायर याचिका की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पूछताछ के आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने वेंकटरामी रेड्डी को इस पर अपना स्पष्टीकरण देने के भी आदेश दिए। इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय की अवमानना के विषय में वेंकटरामी रेड्डी से क्षमा याचना करवाई जाएगी। इस संबंध में पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को 4 सप्ताहों के लिए स्थगित कर दिया। विशाखा भविकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के स्वदेश 2.0 परियोजना का केंद्र पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी तथा राज्य के मंत्री अवंती श्रीनिवास ने जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि विशाखा की टूरिज्म के रूप में विकसित करने का यह कोई बीच जिले तथा मंदिर है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की मंत्री अवंती श्रीनिवास ने बताया कि दक्षिण भारत में केरल के बाद आंध्र प्रदेश में विशाखा दूसरे स्थान पर है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष बताया कि श्रीकाकुलम जिले में 90% पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया गया है। इसी मौके पर उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कुछ लोग न्यायालय की शरण में जाकर याचिका दायर करने से तोटलाकोंडा क्षेत्र विकास के क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ गया है। मंत्री ने बताया कि अन्नावरम में और 50 करोड़ रुपयों से प्रसादम योजना द्वारा केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि विशाखा को सभी देशों के पर्यटक आए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि श्रीशैलम देवस्थानम के लिए 43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार काकीनाडा तटीय पर्यटन के नाम पर 68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह भी जानकारियां देते हुए बताया कि नेल्लूर तटीय पर्यटन के अंतर्गत 49 करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के मंदिर हैं उन सभी क्षेत्रों का निश्चित रूप से विकास किया जाएगा। मुख्य आंध्र राष्ट्रमेद पर्यटक रंग का अनेक रका अभिवृद्धि चंदा की अवकाश अदृष्टवशात मन को इकड़ प्रपंच प्रख्याति का मरी తీర్థ కేంద్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలున్నాయి. సుమారు 126 ఏఎస్ఐ మార్మెంట్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. మనకు ముఖ్యంగా ఈరోజు దేశంలో చూసినట్టయితే అత్యధికమైనటువంటి విదేశీ పర్యటకులు తమిళనాడుకు వస్తారని ఉంది. అందులో మన ఎన్ఆర్ఐస్ ఇండియన్ డయాస్పోరా కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటుంది. గతంలో స్వదేశీ దర్శనం ద్వారా ఈ బుద్ధిస్టు సర్క్యూట్కి మన శ్రీకాకుళం కానీ అమరావతి కానీ విశాఖపట్నం కానీ చాలా అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. శ్రీకాకుళంలో 90% ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది.
బాగుపండు కూడా 2 crore శాంక్షన్ చేశారు మన ఉన్న కమ్యూనిటీ సెంటర్ ఇది కూడా 90% కంప్లీట్ అయింది అలాగే ఈ తొట్లకొండలో వచ్చేటప్పటికి 10 crore శాంక్షన్ చేశారు కానీ అది 10 మంది కోర్టుకు వెళ్ళి వెళ్ళేయటం వలన ల్యాండ్ ఎలకట్ చేయడం పోవటం వలన అంటే పర్మనెంట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అక్కడ చేయకూడదు హెరిటేజ్ సైట్ అని చెప్పడం వల్ల రాయింది అలా బొజ్జన్నకొండ కూడా కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే మెగాబల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో కూడా ఈమధ్యనే క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు దానికి కూడా పెద్దల కేంద్ర మంత్రి గారు దానికి కూడా శాంక్షన్స్ అలాగే మనం టెంపుల్ టూరిజం చూసుకుంటే గతంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు 50 కోట్ల రూపాయలు శ్రీశైలం దేవస్థానం కూడా జరిగింది అది ఆల్రెడీ అప్డేట్ అయిపోయింది भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने साधारण सभा की बैठक आयोजित करने की मांग को लेकर जीएचएमसी मुख्यालय का गौरव किया है। पार्षदों ने इस कार्यवाही के क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्चुअल पद्धति से साधारण सभा की बैठक आयोजित कर आज 5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अब तक भी किसी प्रकार की विकास कार्य नहीं हुए हैं। पार्षदों ने मांग की कि शीघ्र जीएचएमसी साधारण सभा की बैठक आयोजित कर जन समस्याओं पर चर्चा कर समस्याओं का हल निकालने के प्रयास करने चाहिए। पार्षदों ने जीएचएमसी प्रशासन की लापरवाहियों को लेकर काफी निंदाएं की। आंध्र प्रदेश में शासन के विधेयकरण के कानूनों की रहीकरण कानूनों से वापस लेने के संबंधी विधेयक के विधानसभा के परिश किया गया है। इसी सभी के विधायकों के राज्य की वित्त मुक्त मंत्री बुगना राजेंद्रन ने पेश किया है। इस संदर्भ में मंत्री बुगना ने विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यदि इस पर अब निर्णय नहीं लिया गया तो सदा के लिए राज्य के विघटन का खतरा बना रहेगा। मंत्री बुगन्ना ने सदन को बताया कि शिवराम किशन कमेटी ने भी इसी विषय का उल्लेख किया है, इस कारण विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। AITUC के नेता PS बोस ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को धोखा देते हुए सत्ताधारी पार्टी एवं विपक्षी दल नाटक कर रहे हैं। राज्य के किसानों की धान खरीदी के करने की मांग को लेकर आयोजित रैली से संबंधित करते हुए बोस ने यह बात कही। इसी अवसर पर VS बोस ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसान कानूनों को रद्द किया है, लेकिन किसानों की समस्याओं का परिष्कार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समझौते के अनुसार किसानों द्वारा उगाया गया हर एक दाना खरीदेंगे कहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसी पार्टी के प्रतिनिधि राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय किसानों से अनाज की खरीदी राज्य सरकार द्वारा खरीदी करने की बात कर रहे हैं। इससे हटकर मुख्यमंत्री KCR केंद्र सरकार के साथ युद्ध करने की बात करते हुए धरनों पर उतर रहे हैं, यह सभी अनैतिक कदम है। बोस ने भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए कहा कि किशन रेड्डी द्वारा प्रस्तावित समझौता क्या है यह बताएं। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य के किसान आप पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अब अपने नाटक समाप्त कर किसानों से अनाज की खरीदी के कदम आगे बढ़ाएं। అరుణాచల్ పార్టీ ఢిల్లీలోనూ ధర్నాలు చేస్తా అని చెప్పడం కేవలం డ్రామాలు తప్పితే మరొకటి లేదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు కూడా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, మీరేకి మేము అనుకున్న దాని ప్రకారం ఎగ్రిమెంట్ ప్రకారం ప్రతి గింజ కొట్టం అంటున్నారు, అక్కడే లిటిగేషన్ ఉంది, రైతులు నమ్మట్లేదు వెళ్ళి ఆ ఎగ్రిమెంట్ ఏంటో చెప్పమని చెప్తున్నాం. ఎగ్రిమెంట్ చెప్పకుండా ఎగ్రిమెంట్ కొట్టామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కిషన్ రెడ్డి. అట్లాగే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ మంత్రులు మేము ఇప్పుడు బియ్యం కొనే పరిస్థితి లేదని వాళ్ళు చెప్తారు, దానికి ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ ప్రతి గింజ కొనాల్సిందే KCR అంటాడు. आंध्रप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नीर रेड्डी तुलसी रेड्डी ने कहा कि शासन के विकटकरण कारण CRDA के रह खाने के संबंधी कानूनों के राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में सरकार द्वारा सगर वेंकट रेड्डी के विधायक लाने की बात कहना ही सही नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नीर रेड्डी तुलसी रेड्डी ने कहा कि पुनः विधानसभा में
बिल पेश किए बिना भी राज्य का विकास किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि विकास के लिए रायलसीमा नेल्लूर प्रकाशम जिलों में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, कड़पा जिले में स्टील प्लांट, कर्नूल जिले में उच्च न्यायालय की पीठ, कड़पा से बेंगलुरु के लिए नया रेलवे मार्ग, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट को कर्नूल में स्थापित करना, विशाखा को आईटी तथा पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करने से भी राज्य का विकास होगा। रेलवे मार्गम, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड कार्यालय ने कर्नूल एयरपोर्ट चेयडम, तेलुगंगा गालेरु नगरी हंद्रेनिवा वेलुगुंडा प्रोजेक्ट पूर्ति चेसे ई प्रांतमु समग्र अभिवृद्धि चेंदुतुंदि। ఇక ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి, విశాఖకు సంబంధించి, విశాఖను ఆర్థిక రాజధానిగా, సినీ రాజధానిగా, టూరిజం రాజధానిగా, ఐటీ రాజధానిగా డెవలప్ చేయొచ్చు. విశాఖ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, విశాఖ రైల్వే జోన్ సాధిస్తే అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్ర సొలసవంతిని పూర్తి చేసే ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇక అమరావతికి సంబంధించి ఆల్రెడీ సచివాలయం పూర్తి అయింది, హైకోర్టు పూర్తి అయింది, అసెంబ్లీ పూర్తి అయింది, మిగతా భవనాలు దాదాపు పూర్తి అయినాయి. ఇంకొక 5,000 కోట్లు 10,000 मैदक जिला स्थानीय निकायों कोर्ट के अंतकात कांग्रेस पार्टी के प्रत्यक्षी के रूप में निर्मल जयप्रकाश रेड्डी ने नामांकन पत्र लिखा है। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित कांग्रेस श्रेणियों के समक्ष रेटिंग वर्ग अधिकारी का अपना नामांकन पत्र सौंपे। निर्मल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करते हुए समय कांग्रेसी नेताओं ने काफी नारेबाजी की। इस नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक तूर्पु जग्गारेड्डी, चुनाव समिति के चेयरमैन दामोदर राज नरसिम्हा, पूर्व सांसद सुरेश शेटकर, सिद्दीपेट जिला कमेटी के अध्यक्ष नरसा रेड्डी, मेदक जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तिरुपति रेड्डी, काटा श्रीनिवास गौड़, चेरुकु श्रीनिवास रेड्डी तथा संजीव रेड्डी सहित पार्टी के अन्य नेता एवं कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। श्री टीम के तत्वाधान में अंबरपेट लाखोटिया सरकारी विद्यालय के प्रधान अध्यापिका के समक्ष साइबर क्राइम सुरक्षा जागृत कार्यक्रम आयोजित किया है। इस अवसर पर SI श्रीवाणी ने बताया कि महिला की सुरक्षा के लिए श्री टीम 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सब इंस्पेक्टर श्रीवाणी ने स्कूल की प्रधान अध्यापिका मधुशालिनी के साथ मिलकर बात करते हुए बताया कि किसी प्रकार की भी आपदा आने पर या आपात स्थिति में महिलाएं 100 नंबर पर डायल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आकाताइयों तथा आवारा लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया तो उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। इस विषय पर हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि सद्दाम की विशेष रिपोर्ट। अवेरनेस कार्यक्रम लकोटिया स्कूल प्रभुत्व पाठशाला निर्वहित मन तो एसई गार ఇక్కడ ఇవాళ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి సైబర్ కాంగ్రెస్ అనే ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో ఒక భాగంగా పిల్లల్ని అందరినీ సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని ఏ విధంగా ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోవాలి, చేసుకోవద్దు అనేది చెప్పడం జరిగింది. చెప్పండి. అదే షీ టీమ్స్ పోలీస్ వాళ్ళు మా సైబర్ నేను HM గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ సిపిఎల్ అంబర్పేట నుంచి ఏమనుకోండి. ఇక్కడ ఈరోజు సైబర్ కాంగ్రెస్ అనేది మేము ఏప్రిల్ 20 నుంచి 2020 ఆన్లైన్ చేస్తూ ఇప్పటి వరకు చేసుకున్నాము. ఈరోజు ఇద్దరిని సైబర్ అంబాసిడర్స్గా చేసాం. పిల్లల్ని స్టూడెంట్స్ని సైబర్ అంబాసిడర్, ఒక టీచర్ మెంటర్ ఉంటారు సైబర్ మెంటర్ అని. సో వాళ్ళు ఆన్లైన్లో 2020 ఏప్రిల్ 2020 నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు వచ్చారు. వాళ్ళని ఆఫీషియల్గా ఫిజికల్గా ఈరోజుగా అంబాసిడర్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ చేత ఆనర్ చేయించాము. బ్యాడ్జెస్ పెట్టారు వాళ్ళు, వెస్టిచర్ సెరమనీ అంటారు, ఆ సెరమనీ చేసుకున్నాము ఈరోజు మేము మా స్కూల్లో. సో ఐ థ్యాంక్ పోలీస్ అంబర్పేట్ పోలీస్ వాళ్ళు పర్సనల్ వచ్చేసి SI గారు మాకు మా పిల్లలకి బ్యాడ్జెస్, మా మెంటర్కి బ్యాడ్జెస్ వేసి వాళ్ళని ఆనర్ చేశారు. మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి మేము వాళ్ళు స్కూల్లో ఈ ఇయర్ మొత్తం వాళ్ళు క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, సెషన్స్ తీసుకుని అందరికీ అవేర్నెస్, సైబర్ అవేర్నెస్, సైబర్ క్రైమ్స్ వల్ల అవేర్నెస్ తీసుకొస్తారు. మహిళలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలను ఆపేందుకు షీటెం ముందుకు అడిగివేసింది. ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా, మహిళలకు ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా మేమున్నామంటూ షీటెంస్ వారు ముందుకు నడుస్తున్నారు. ఈరోజు అందులో భాగంగా ఈరోజు అంబర్పేటలోని లకోటియా స్కూల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థినులకు ప్రత్యేక బోధన కల్పించారు. అంటే ఎలాంటి అవేర్నెస్ చేయాలి, అంటే వాళ్ళకు ఆపద వచ్చినప్పుడు ఎవరికి కాల్ చేయాలి అనేసి
అయితే సైబర్ క్రైమ్ కి సంబంధించిన ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన తక్షణమే 100 కి డైల్ చేసి తమ సమస్యను తెలపగానే తక్షణమే షీటిమ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి చేరుకొని వారికి ఎలాంటి ఆపద కలగకుండా ముందడుగులు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఈ రోజు అంబర్పేటలో లకోటియా స్కూల్లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించారు. ప్రదేశ్ కి బాహ్య ప్రభావ క్షేత్రం మే తెలుగుదేశం పార్టీ కే నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు దౌరా కర్ రహే హై. चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे पर एक और दिन आगे बढ़ते हुए बाढ़ की तीव्रता अधिक होने से उन्होंने आज करपा कल चतुर्थ तथा गुरुवार को नेल्लोर जिले की दौरा करने का निर्णय लिया है. चंद्रबाबू नायडू ने आज से राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों तथा जिले के क्षेत्रों का दौरा आरंभ किया. उन्होंने आज कड़पा जिले का दौरा कर वहाँ लोगों की दयनीय हालत पर चिंता प्रकट की. कल चंद्रबाबू नायडू अपने पैतृक चित्तूर जिले का तथा गुरुवार को नेल्लोर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे. चंद्रबाबू नायडू अपने दल के साथ लोगों की सहायता के लिए अपने पूरे दल बल के साथ निकले हैं. चंद्रबाबू नायडू ने पहले दो दिनों में अपना दौरा समाप्त करने का निर्णय लिया था. आज लोगों की हालत को देख उन्होंने अपने दौरे को एक और दिन बढ़ाने की घोषणा की है. विशाखा जिला एजेंसी क्षेत्र स्थित पार्क के डिवीजन केंद्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कल रात छात्रवास के विद्यार्थी रात्रि भोजन करने हुए पश्चात बीमार हो गए, जिससे ड्यूटी कर्मचारी ने अवस्था के शिकार हुए बच्चों को उपचार हेतु स्थानीय जिला अस्पताल भेज दिया. यहां अस्वस्थ विद्यार्थियों का उपचार करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि प्रदूषित भोजन लेने से ही विद्यार्थी अस्वस्थ हुए हैं. चिकित्सकों के दल ने जांच में पाया कि विद्यार्थियों के भोजन सहित पीने के पानी में भी प्रदूषण पाया गया है. वहीं दूसरी ओर अस्वस्थ हुए बच्चों के माता पिता ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाहियों के कारण उनकी संतानें अस्वस्थ हुई है. इस हादसे पर अपनी तत्काल कार्रवाई कर प्रतिक्रिया दिए अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर उपचार सुविधाएँ मुहैया कराने में लगे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर विविध विद्यार्थी संघों के नेताओं ने इस घटना को गंभीरता से लेने की मांग करते हुए इस मामले के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है. देश भर में कोरोना मामले की संख्या अब काफी घट गई है. परसों की तुलना कर कोरोना के मामले से भारी गिरावट आई है. बीते 24 घंटों के दौरान देश भर से केवल 7,579 मामले दर्ज होने की केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है. यह आंकड़ा बीते हुए 543 दिन से सबसे कम मामले दर्ज होने का है. गौरतलब है कि कल दर्ज हुए कुल मामलों में 3,698 मामले केवल केरल राज्य में ही दर्ज हुए हैं. इसी प्रकार कल देश भर में कोरोना से 236 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 180 मौतें केवल केरल राज्य में ही हुई हैं, जो काफ़ी चिंता की बात है. इन ताज़ा मामलों के साथ देश भर में अब तक दर्ज हुए कुल मामले 3.45 करोड़ पर पहुंच गए हैं, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 4,66,147 हो गई है. सोमवार को एक दिन में 12,202 लोग स्वस्थ हुए हैं. इस संख्या के साथ देश में अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 3.39 करोड़ हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देश में इस समय कोरोना के 1,13,584 सक्रिय मामले हैं. इसके साथ ही देश में रिकवरी दर भी बढ़कर 98.32% हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सोमवार को एक दिन में 71,92,154 लोगों ने टीका लगवाया. देश में अब तक हुए टीकाकरण का आंकड़ा 117 करोड़ पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अब भी कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है. हैदराबाद लखनी की पुलिस स्थित रंगारेड्डी जिला कलेक्टर कार्यालय के पास आज तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई. यहां टीआरएस पार्टी की और रंगारेड्डी जिला स्थानीय निकायों के एमएलसी प्रत्यक्षी पद्म महेंद्र रेड्डी तथा शिम्बपुर राजू ने आज नामांकन पत्र दाखिल किए. इस समय एमपीटीसी संघों के नेता स्वतंत्र प्रत्यक्षी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने वहां पहुंचे. इसी दौरान एमपीटीसी संघों की ओर से स्वतंत्र प्रत्याशियों के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने आए संघों के नेताओं को टीआरएस के नेताओं तथा पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया. इसी मौके पर एमपीटीसी संघों के नेताओं को रोके कुछ आगंतुकों ने उन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीनकर उन्हें फाड़ दिया. इस कार्रवाई का विरोध कर एमपीटीसी संघों के नेताओं ने पट्टनम महेंद्र रेड्डी के समर्थकों ने हमारे नामांकन पत्र फाड़ दिए कहकर आंदोलन पर उतरे.
इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने भी उन्हें कलेक्टर कार्यालय के भीतर जाने नहीं दिया, जिससे वे सैकड़ों लोग सड़क पर बैठकर अपना विरोध बताते हुए आंदोलन किए। इस आंदोलन को देख उस क्षेत्र में काफ़ी देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये इंडिपेंडेंट रंगारेड्डी से इंडिपेंडेंट कंटेस्टेड कर रहा हूँ। अंदर आने के लिए बहुत मुश्किल से एक सेट डाला, बाहर दो सेट पार डाले कि बोलते लाइक लीडिंग पार्टी तरफ के कार्यकर्ता पूरे क्या बोलते अड़ग अड़ को क्या बोलते बहुत टॉर्चर करके नॉमिनेशन डालने का असल नहीं करे कि बोलते ओनली दो लोग टीआरएस के लोग डाले। एक इंडिपेंडेंस से क्यों इतना क्या बोलता डरना क्यों डर रहे। जनरली मैं एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, मैं जॉब करते हुए एक ट्राई कर रहा हूँ एक नया पॉलिटिकल नया दौर लेने के लिए। ऐसा कैसा बोलते मैं जॉब कर रहा हूँ ना, ऐसे ही 10-20 हज़ारों को ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट देने के लिए मैं इसके पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इन लोगों को इतना क्यों क्या बोलते ईर्ष्या बोलते डालने की, इतना मुश्किल बहुत मुश्किल से अंदर एक सेट डाला, मेरा बैग पार डाले, बैग में 10,000 है वो पार डाले, दो सेट नॉमिनेशन भी पार डाले, एट लास्ट एक सेट डाला। रेप स्कूट में मालूम होता क्यों इतना क्यों डर रहे, क्यों एक इंडिपेंडेंट से इतना क्यों डर रहे, क्यों बोलते उसमें एकत्रीय लेने के लिए एक ही रूल करना बोलते कैसा है ये, क्यों बोलते लास्ट हम इंडिपेंडेंट पूरा काम करके रोजी रोट जॉब करके ऐसा एक दो दिन लीव लेके डालने के लिए इतना मुश्किल, इतना टॉर्चर कर रहे, क्यों ऐसा क्यों कर रहे।